गुरुग्राम के सरस्वती कुंज सोसाइटी में सोसाइटी की कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं। इसके चलते स्थानीय लोगों को अब सोसाइटी में फैली अव्यवस्थाओं के समाधान की उम्मीद जगने लगी है। सरस्वती कुंज सोसाइटी में 12 जून से होने वाली कमेटी के चुनाव से स्थानीय लोगों को काफी उम्मीदें हैं। लोगों को लग रहा है कि सोसाइटी की कमेटी के चुनाव के बाद उनकी सोसाइटी के अच्छे दिन आने वाले हैं। सरस्वती कुंज सोसाइटी में मुकाबला कड़ा होने वाला है। कमेटी चुनाव के 7 पदों के लिए कुल 33 उम्मीदवार मैदान में हैं। नहीं, इलेक्शन हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ के सारा कुछ खुल जाएगा, रोड बन जाएंगे और अपना पानी सीवर, ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ झुग्गियाँ हैं, सब कुछ है, झुग्गियाँ इतनी डली हुई हैं बहुत ज़्यादा है। यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे एक नहीं मैम, हजारों प्रॉब्लम है। रोड, सीवर, बिजली, पानी, रस्ती, नक्शा कुछ नहीं है। जो कनेक्शंस हैं वो सब टेम्परेरी मिल रहे हैं और नक्शे वगैरह भी पास नहीं हो रहे। सड़कों की बुरी हालत है, कचरा, गंदगी, झुग्गियाँ और जो भी हमने पैसा लगाया वो सब मट्टी हो गया हमारा। इससे पहले सोसाइटी में कोई कमेटी नहीं थी और इसी के चलते लगातार समस्याओं का अंबार लगा रहता था। आपको बता दें कि 1983 में बनी इस सोसाइटी में करीब 9200 मेंबर हैं, लेकिन अभी तक इसमें केवल 1500 लोगों ने ही रजिस्ट्री कराई है, जबकि लोगों का पूरा पैसा जमा हो चुका है। बावजूद इसके अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई और इसके लिए लोग प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हैं। ऐसे हालात में स्थानीय लोगों को कमेटी के चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। इलेक्शन के लिए देखिए हमारी पूरी तैयारी है। ये डॉक्टर उदित राज हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनकी देखरेख में हमारी पूरी टीम चुनाव लड़ रही है। इसमें मिस्टर एपी पाठक हैं जॉइंट सेक्रेटरी, मिस्टर अश्विनी उपाध्याय ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं और हरियाणा के गवर्नमेंट के एडवाइज़र हैं। ये इन्होंने इनकी पूरी देख रेख में हमारी टीम का चयन हुआ और उसमें इन्होंने 7 लोग कैंडिडेट उसमें चुने इन्होंने और चुन के इन्होंने अब टीम मैडम सीमा राज है IRS है, उनके अंडर में ये चेयरमैनशिप में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम जब 7 सीटें जीत जाएंगे तो मैडम सीमा राज हमारी चेयरमैन नियुक्त होगी। और यहाँ पे सोसाइटी के जो हमारे बड़े बड़े जो मेजर इश्यूज थे उसमें से एक सबसे बड़ा इशू था 1996 से 2004 का, जिसमें लोगों के बीच में डिवाइड क्रिएट की जा रही थी, कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मेरी जो मेहनत थी वो रंग लाई और ये हमने रिजॉल्व कर दिया हमेशा के लिए। हालांकि इससे पहले भी चुनाव कराने की तैयारियां की गई थी, लेकिन कोर्ट के स्टे के बाद रोक लग गई। फिलहाल कोर्ट ने इस चुनाव को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी सोसाइटी के दिन अच्छे आते हैं और लोगों की समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिलता है। गुरुग्राम से योगेंद्र भदौरिया, इंडिया न्यूज, हरियाणा।